हम बात कर रहे थे सिक्वेंसिंग की. सिक्वेंसिंग मैंने आपको बताया था, सेंगर एंड गिलबर्ट ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए की सिक्वेंसिंग में हमारी हेल्प की थी. उन्होंने हमें सबसे पहले बताया था कि डीएनए की सिक्वेंसिंग कैसे करनी चाहिए. उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, आइसोलेट किया था किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कोई सी भी सेल से हम इजिली डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं. देन उनको उन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ लिया था और उनके क्लोन मतलब खूब सारी सेम कॉपी की फॉर्मेशन कर ली थी. उसके आगे की प्रोसेस, these sequences were then arranged based on the some overlapping region present in them. आप हायर में पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उन्होंने उन डीएनए सीक्वेंस को क्या किया, लोड किया और ओवरलैप करा के उन सीक्वेंसिंग को क्या करा, डिनोट किया. आपको अभी फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से. अलाइनमेंट ऑफ दी सीक्वेंसेस वॉर ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. लेकिन ये जो हमने अलाइनमेंट किया है इसमें ह्यूमन का करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज ह्यूमन का डीएनए बहुत लंबा है, 2.2 मीटर. ठीक है. अनदर चैलेंजिंग टास्क वॉज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम. नेक्स्ट हमारा टास्क था कि किस तरह से हम मैपिंग करेंगे किसी भी जेनेटिक एंड फिजिकल मैप की, पर्टिकुलर जीनोम का. मैपिंग का मतलब है पूरी इंफॉर्मेशन का वहां पर प्रेजेंट होना. ठीक है. दिस वॉज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट एंड सम रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसिंग नोन एज माइक्रो सैटेलाइट्स. मेनली यहाँ से जो हमें जीन की कुछ सेगमेंट्स मिले थे उनसे हमें क्या बेनिफिट हुआ, दिस वॉज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट. वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स थे उनसे हमें पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुत सारी सेम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स मिली. ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को कट करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि BHM फर्स्ट और बहुत सारी साइट्स होती हैं जिनको वो कट करता है, तो उसका नाम दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ठीक है. उसकी रिकॉग्निशन साइट हमें वहां से मिलने लग गई. कोई भी आप ले लीजिए जैसे GCTCA और CAGTC, तो ये एक टाइप की मान लीजिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट है. इस साइट पे से वो उसको कट करेगा, तो उस चीज को उन्होंने कहा है पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट. तो ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स आप देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, इनको उन्होंने नाम दिया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. वो उस पर्टिकुलर साइट से ही उसको क्या करेंगे, यहाँ से और वहां से क्या करेंगे, अलग करते हैं. ये ऐसी साइट थी. एंड सम रिपीटिव डीएनए सीक्वेंसिंग, और हमें हमेशा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिले जो सेम रिपीट कर रहे हैं. मान लीजिए ये हमने जो सेगमेंट लिया, ये ऐसे सेगमेंट बहुत सारे हैं, 100 हैं, 1000 हैं, तो उनको उन्होंने एक नाम दिया माइक्रो सैटेलाइट्स. उस बेसिस पर हमें डीएनए का सीक्वेंसिंग करना बहुत इजी रहा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ. ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस. इतने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं एक ह्यूमन के जीनोम में. एवरेज मान लीजिए 3000 बेस पेयर, बट साइज वेरी ग्रेटली. अब अगेन साइज क्या होता है, वो करता है, वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल एक और ह्यूमन बींग का बताया उन्होंने, डाइस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसिस. इतने मिलियन ऑफ बेसिस पाए गए इस पर. टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेशन 80,000 एंड 1,40,000. हमने ऑलरेडी पहले भी कुछ जीन की सिक्वेंसिंग हम निकाल चुके थे, बाद में भी हमने जीन की सिक्वेंस निकाली, तो एस्टिमेट लगभग 30,000 से है कि जीन प्रेजेंट हैं. लेकिन उससे पहले हम 80,000 एंड 1,40,000 ऑलरेडी क्या कर चुके थे, सिक्वेंसिंग डिनोट कर चुके थे. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि 99.9% ऑफ जो सिक्वेंसिंग है ऑल ह्यूमन बींग्स की सेम होती है. 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल. सिर्फ 0.1% है जो कि डिफरेंट हो जाए, उसी की वजह से वो पर्सन डिफरेंट अपने आप को शो करता है. फंक्शन आर अननोन फॉर द ओवर 50%. लेकिन हमें सभी जीन का फंक्शन आज भी नहीं पता है, लगभग 50% जीन ऐसी है. रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम. हमने देखा ह्यूमन का जो जीनोम है
उसके अंदर रिपीटेड सिक्वेंसिंग बहुत है। ये जो माइक्रो सैटेलाइट है ना, ये वाली हमने थाउजेंड देखी, हंड्रेड देखी, इतनी सारी सिक्वेंसिंग है कि जो अगेन रिपीट एंड रिपीट वहां पर प्रेजेंट है। 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस, लगभग इतनी लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक सिंगल जो आपकी साइट है वो हमें अगेन एंड अगेन एंड अगेन वहां पर देखने को मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन फाइंडिंग, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रोमोसोमल इक्वेशन लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएट सिक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। अगर किसी पर्सन में कोई डिजीज है तो उसको भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन सिक्वेंसिंग की तरह इजीली जान सकते हैं कि किस पार्ट में प्रेजेंट है और वो किस तरह से डिजीज कॉज कर रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट थेरेपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा काम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मेनली जो ह्यूमन जीनोम हमने किया है उसका मेन बेनिफिट हमारे को हमारी हेल्थ को लेकर है, डिजीज को क्योर करने को लेकर है, बहुत सारे डिसऑर्डर को क्योर करने के लेकर है, और यहाँ तक कि किसी भी पर्सन में वन से दूसरे पर्सन में क्या डिफरेंस है वो इजीली हम ह्यूमन जीनोम की जो हम सिक्वेंसिंग कर रहे हैं उससे हम निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट थिंग इसमें यह है कि यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट्स प्रेजेंट है, मतलब एक सिक्वेंस रिपीटेड अगेन एंड अगेन हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इजी है हमें उसकी सिक्वेंसिंग को करना। ये आप अभी फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसमें आपको और क्लियर होगा। थैंक यू एवरीवन।